वेलकम टू ऑल। टर्बो मशीनरी का पूरा कोर्स देखने के बाद गेट क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं उस कोर्स के ऊपर अगर ये ना करवाएं तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो टर्बो मशीनरी के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है दिया है इसमें, द चेंज इन हेड अक्रॉस अ स्मॉल टर्बाइन इज 10 मीटर, द फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 1 m³/s एंड द एफिशिएंसी इज 80%, द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज, क्या क्या गिवन है। अब देखिए कन्वेंशनल क्वेश्चन में तो हम पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करते थे, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप फटाक से आपका काम है, सब फालतू के पचड़े नहीं करने हैं, आपका सीधा आंसर काम है आंसर निकालना, लेकिन सही आंसर निकालना। क्या क्या गिवन है, अपने को हेड दिया है 10 मीटर, फ्लो रेट डेट इज क्या दिया है क्यू 1 m³/s और इफिशियंसी दी है 80%। कौन सी इफिशियंसी दी है नहीं पता, पावर निकालनी है अपने को, चार ऑप्शन है अपने पास। तो इफिशियंसी कौन सी दी है अपने को ये चीज तो नहीं पता, तो क्या करें, तो इफिशियंसी कौन सी दी है नहीं पता तो अपन लोग उसको ओवरऑल इफिशियंसी लेंगे, क्योंकि वाटर टर्बाइन में कई प्रकार की इफिशियंसी होती रही। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या होता था, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इंटू हाइड्रोलिक इफिशियंसी इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या, पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन अपॉन पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द रनर। हाइड्रोलिक इफिशियंसी, पावर डेवलप्ड बाय रनर अपॉन पावर सप्लाइड एट द इनलेट, मतलब वाटर की कितनी पावर दी गई। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली सप्लाइड टू द रनर। इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि टोटल ओवरऑल इफिशियंसी अपने को चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो अपने को ओवरऑल इफिशियंसी मिलती थी। तो ओवरऑल इफिशियंसी का एक सिंपल फॉर्मूला और था, जो अल्टीमेट पावर मिल रहा था अपने को वो अपॉन जो वाटर पावर अपन ने स्टार्टिंग से भेजा। वो वाटर पावर का अपने पास फॉर्मूला था, कितना हेड था, रो जी एच क्यू। रो जी एच क्यू से ही अपन वाटर पावर निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे। तो अपने को क्या पूछा है, पावर पूछा है, पावर मतलब शाफ्ट पावर ही पूछा है। तो अपने को इफिशियंसी में शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर लगाएंगे, वाटर पावर निकाल लें यहाँ से। देखिए इफिशियंसी कौन सी दी है नहीं मालूम ना, तो कौन सी इफिशियंसी में शाफ्ट पावर आता है, ये आता है इस वाले में आता है, तो अपन यही ना लगाएंगे, और कौन सी लगाएंगे, इससे भी अगर नहीं दिया हो तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि अपने को शाफ्ट पावर दी है, वाटर पावर क्योंकि हेड दिया है तो अपन वाटर पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर और वाटर पावर कौन सी एफिशिएंसी में रिलेट हो रहे हैं ओवरऑल में, तो इससे अपना कैलकुलेट हो जाएगा। वाटर पावर निकाल ले कितनी होगी, रो ऑफ वाटर 1000 इंटू जी कितना 9.81, 10 मत लेना जी क्योंकि एक्यूरेट आंसर चाहिए, 9.81 क्यू 1 और हेड कितना 10, 10 ही दिया है ना हेड, हेड 10 मीटर। तो यहाँ से अपने को वाटर पावर मिल जाएगी, इस वाटर पावर को उठा के कहाँ रखो, यहाँ पे इफिशियंसी दी है 80%, तो अपने आंसर आ जाएगा शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर कितनी आई अपनी, मैं SI यूनिट में निकालना हर चीज, क्योंकि SI यूनिट में निकालोगे तो आंसर गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। SI यूनिट में मैंने निकाला 7840 वाट आया। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन में दो ऑप्शन किलोवाट में है, दो ऑप्शन मेगावाट में है, तो इसको आप किलोवाट में करोगे तो 1000 से डिवाइड करो तो 7.8480 आया, एक गलत 7.8480, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 78.48 किलोवाट। कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन बी दैट इज 78 किलोवाट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।